सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो और दुआएं सबसे पहले। मेरी दुआ है कि आप, आपके घर वाले, आपके दोस्त, अहबाब और रिश्तेदार सदा सलामत रहे और हंसते मुस्कुराते रहे, आमीन। तो चलो दोस्तों वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर ने इंकशाफ किया है कि कौमी टीम में खिलाड़ियों का इंतखाब सियासी असर व सोख की बुनियाद पर किया जाता है। एक इंटरव्यू के दौरान 32 साल खुर्रम मंजूर ने कौमी टीम की सिलेक्शन पॉलिसी पर शदीद तहफ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा है कि वो दीगर खिलाड़ियों की तरह इंग्लैंड लीग क्रिकेट खेलने इसलिए नहीं जाते ताकि पाकिस्तान में पूरा फर्स्ट क्लास सीजन खेले और कौमी टीम में वापसी के लिए पूरी कोशिश करे। ताहम मुसलसल परफॉर्मेंस देने के बावजूद इन्हें मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है। खुर्रम मंजूर का कहना था कि हमारे पास कोई तगड़ी सिफारिश नहीं और इस्लामाबाद यूनाइटेड में किसी सियासी शख्सियत से राबता नहीं, तो हमें कौमी टीम में वापसी के लिए और क्या करना होगा, क्या हम यूं ही मुंह देखते रहेंगे। खुर्रम मंजूर का मजीद कहना था कि अब हमारे क्रिकेट हलकों में ये बात जबान जिद आम है कि जिस खिलाड़ी के पास मजबूत सिफारिश और सियासी असर वसूख है वो पाकिस्तानी टीम में आने से आपको कोई नहीं रोक सकता। इन्हें तो ये लगता है कि हेड कोच मिकी आर्थर को शायद वो पसंद ही नहीं है। खुर्रम मंजूर ने इल्जाम लगाया है कि गुज़िश्ता साल कराची किंग के लिए इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ शारजा में 40 गेंदों पर 51 रन की इनिंग खेलने की सजा इन्हें बाकी मैचेस के लिए ड्रॉप करके दी गई। टेस्ट ओपनर ने मुतालबा किया है कि डोमेस्टिक क्रिकेट में उम्दा कारकर्दगी के हामिल क्रिकेटर कम से कम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए। वादा रहे कि 2016 में खुर्रम मंजूर को डोमेस्टिक क्रिकेट में शानदार परफॉर्मेंस पर एशिया कप और वाइड T20 के लिए मुंतखब किया गया था। ताहम ढाका में खेले गए एशिया कप में नाकुश कारकर्दगी के बाद इन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया गया। खुर्रम मंजूर 2008 ईस्वी से 2016 के दौरान अब तक 16 टेस्ट, 7 वनडे और 3 T20 मैचेस में कौमी टीम की नुमाइंदगी कर चुके हैं। तो दोस्तों यदि कौमी टीम के बैट्समैन खुर्रम मंजूर के हवाले से कुछ अपडेट, उम्मीद करता आपको पसंद आई होगी। इस अपडेट के मुताबिक अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अब्दुल्ला स्पोर्ट अपडेट को और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाइए। मेरी दुआ है कि मेरी, आपकी और हम सब की हर जायज मुराद पूरी हो। मेरी न्यू वीडियो आने तक आपका, हमारा, हम सब का अल्लाह ही हाफिज और निगहबान हो। आमीन। वीडियो देखने का शुक्रिया।